देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मोहन के दिल में राधा के लिए जो हम करती है, अगर मेरी राधा को कुछ हो गया ना तो आप लोगों को आइडिया भी नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगा। जो प्यार है कुछ भी करके उसे तो मारना ही होगा ना। अब ये दामिनी क्या करने वाली है? सिस्टर, पेशेंट की पल्स ड्रॉप हो रही है, शॉक देने पड़ेंगे। कुंगन, मेरी बात तो सुनो ना। नो, नहीं सुननी तुम्हारी बात। तुमने कहा था ना कि जब तुम्हारी मम्मा नहीं थी तो दादी तुम्हें मम्मा वाला लव करती थी, तुम्हारी केयर करती थी, तुम्हें हग करके सोती थी। पर राधा तो मेरी मम्मा बनने से पहले ही मुझे मम्मा वाला लव करती थी। जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे तुम्हें बताना पड़ता है, पर राधा मुझे देखकर ही वो प्रॉब्लम समझ जाती है। मैं कितनी हैप्पी थी कि फाइनली मुझे मेरी मम्मा मिल गए, पर तुमने सब कुछ खराब कर दिया। आई नो तुमने मेरी मम्मा को नहीं मारा, पर तुमने राधा को मारा है। उसकी बात नहीं मानी ना, इसलिए उसने वो पॉइजन वाली खीर पी ली। तुमने मुझसे मेरी मम्मा छीन ली, मेरी राधा छीन ली। अब मैं किसको अपनी मम्मा बुलाऊं? गुनगुन, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। नो, नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात। आई हेट यू। गुनगुन, मोहन भैया जल्दी चलिए, राधा की तबीयत और बिगड़ रही है। क्या? हाँ। राधा की हालत अभी भी बहुत खराब है। अजीत कह रहा था कि वो अब तक होश में भी नहीं आई है और डॉक्टर्स का कहना है कि उसे बचाना मुश्किल हो रहा है। हमें लगता है हमें रामेश्वर और माजी को सब कुछ बताना पड़ेगा। नहीं नहीं पापा, आप नहीं बता सकते, ये बात फैल जाएगी। बेटा, वो लोग राधा का परिवार है, हमें उनको तो बताना पड़ेगा ना। अच्छा, वो परिवार जिसने उसका सबके सामने श्राप कर दिया। हमारी बेटी राधा हमारे लिए आज से मर गई। पापा, राधा उनके लिए पहले ही मर चुकी है। एनीवेज, आप अपने रूम में जाके आराम कीजिए। दुलारी, पापा को उनके रूम में लेके जाओ। जी। जाइए पापा। क्या लगता है ये दामिनी ने किया है? दामिनी पे मुझे पूरा भरोसा है, वो किसी की जान नहीं ले सकती। कि ये प्रॉब्लम जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। जहर ना राधा ने पिया है, पर उसका असर ना हमारी पूरी फैमिली पर पड़ेगा। चार्ज्ड। वन मोर। चार्ज्ड। चार्ज्ड। मोहन मुझे देखने दो, प्लीज मोहन मुझे देखने दो, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मोहन मुझे देखने दो। मां, तुम तो नहीं देख सकती ये सब। मोहन एक बार दिखा दो ना उसे राधा का चेहरा। राधा जस्ट के बिहारी जी, प्लीज राधा को ठीक कर दीजिए। जस्ट
शॉक देकर हमने उन्हें बचा लिया। पर खतरा अभी टला नहीं है। जहर पूरी बॉडी में फैल गया है। अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है। उनकी देखभाल करनी होगी। अगर फिर भी उन्हें होश नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। बाकी प्यारी जी, राधा आपको अपनी लाइफ मानती है ना, अब आपको उसकी लाइफ सेव करनी होगी। श्री भगवानु वाच कालोस मीन सॉरी बाकी बहर जी, आई नो मैं अच्छे से नहीं पढ़ पा रही हूँ, पर राधा कहती है कि आप दिल की बात सुन लेते हो। तो प्लीज आप मेरी भी दिल की बात सुन लो ना, प्लीज मेरी राधा को बचा लो। भूल चुक के लिए सॉरी, प्लीज बाकी बहर जी मेरी बात सुन लो ना प्लीज। मैंने खीर में जहर मिलाया था माँ, कुछ जो कुछ भी हुआ है ना उसके बाद हमें तो क्या, किसी को भी यही लगेगा। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम मोहन से प्यार करती हो और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। मैं मोहन से बहुत प्यार करती और उसी मोहन की कसम खाकर कह रही कि मैंने खीर में जहर नहीं मिला। मोहन से प्यार का दावा करती है और फिर उसी की झूठी कसम खाती है, बेशर्म। मैं मानती हूँ कि मोहन को पाने के लिए पिछले दिनों में मैंने ऐसे बहुत सारी चीजें की है जो गलत है, पर मैं किसी की जान नहीं ले सकती हूँ माँ। कद्दू, तू दामिनी पर शक कर रही है? हाँ जी है वो तेरी।
आखिर राधा ने क्या कहा? कि उसने रसोई घर में वो जहर की शीशी का ढक्कन देखा था और रसोई की खिड़की के बाहर हम दोनों को देखा था। तो इससे क्या साबित होता है? मान लो अगर हम दोनों की जगह शायद मोहन रसोई की खिड़की के बाहर खड़ा होता तो क्या तुम मोहन पर शक करती? कादंबरी जी, मैडम आप यहाँ? राधा त्रिवेदी यहीं पर है? मौन, इंस्पेक्टर मैडम आप यहाँ? हमें हॉस्पिटल से डॉक्टर्स ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि राधा ने जहर खा लिया है। क्या वो जहर उन्होंने खुद खाया था या फिर उन्हें किसी ने दिया था? पुलिस आंटी, राधा मेरी मम्मा है, मैं बताती हूं कैसे पॉइजन किसने दिया। दामिनी ने। इसी ने मेरी मम्मा की खीर में पॉइजन डाला। ये मेरी मम्मा को मारना चाहती थी। पुलिस आंटी, अब प्लीज इन्हें लेकर जाइए। कुंदन चुप, कुंदन। मैम रुक जाइए, मैम रुक जाइए, इसमें दामिनी की कोई गलती नहीं है। इसने कुछ नहीं किया है। ये सब सिर्फ एक हादसा था। ऐसी वारदात ना हादसा नहीं होता, ये जरूर किसी की साजिश है। और आपका फैमिली ड्रामे का ट्रेलर तो मैं पहले भी देख चुकी हूँ। मिस दामिनी के पास क्लियर मोटिव था राधा को मारने का। और इनफैक्ट मैं ये भी जानती हूँ आप में से कोई भी राधा को पसंद नहीं करता है सिवाय इस बच्ची के। ऐसी कोई बात नहीं है मैम, मैं बताती हूँ। बात ये है कि हम लोग घर में महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे थे और मैंने अपनी बहू के लिए खीर अपने हाथों से बनाई थी ताकि वो अपना व्रत खोल सके। किचन से खीर उठाकर मैं ही लेकर आई थी और उसमें जहर नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब पता नहीं कैसे हो गया। तो आपका कहना ये है कि राधा के खीर खाने से पहले आपके अलावा किसी और ने नहीं छुआ था? मैं ठीक कह रही हूँ ना? माँ, इसके आगे कुछ मत बोलिएगा माँ। तो फिर कादंबरी देवी
मुझे आपको अरेस्ट करना होगा। क्या अरेस्ट कर रहे हैं? एक सेकंड, आप ये क्या कह रही है आप मैम? मोहन, तुम जानते हो इसमें माँ की कोई गलती नहीं है, ये लोग गलत बोल रहे हैं, प्लीज कुछ करो। और इस बात का क्या सबूत है कि उस खीर में जहर मेरी माँ ने मिलाया था? वो तो कोई भी मिला सकता है ना मैम? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये सब बातें ना अब आप कोर्ट में प्रूफ कीजिएगा। फिलहाल चक के बिना पे मैं उन्हें अरेस्ट कर रही हूँ। जाइए मैम, मेरी बात सुनिएगा मैम। क्या कर रही हैं आप? मिस्टर त्रिवेदी, आप अपनी हद में रहिए, वरना पुलिस के काम में अड़चन डालने के लिए ना मैं आपको गिरफ्तार कर सकती हूँ। मैम, मोहन, वैसे भी ये पहली बार नहीं हुआ है कि आपकी वाइफ के साथ ऐसा कुछ हुआ हो। आपकी पिछली वाइफ की डेथ भी ऐसी कुछ हुई थी ना, अचानक? आज तक पता नहीं चला कि उनकी मौत कैसे हुई। तो प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए, अरेस्ट करें। एक सेकंड, मैम मेरी मां ने कुछ नहीं किया है मैम। और क्या सबूत है आपके पास कि मेरी मां ने उस खीर में जहर मिलाया था? आप इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती। हर सास जो अपनी बहू को जलाना या फिर उसे जहर देकर मारना चाहती है ना, उसका बेटा यही कहता है। क्या? ये पहला केस नहीं है मेरे लिए ऐसा। इनफैक्ट ऐसे केसेस में ना माँ और बेटा दोनों की मिलीभगत होती है। जाके अरेस्ट करो तुम। नहीं नहीं, प्लीज आप मत जाइए मैडम, आप मेरी बात सुनिए। मेरी माँ ने कुछ नहीं किया। मैडम, ड्रामा का पार्ट सबूत है आपके पास? क्या गवाह है कि मेरी माँ ने ये सब कुछ किया है? आप शक कैसे कर सकती हैं मेरी माँ पर? शक करने का कारण है मिस्टर त्रिवेदी, हमें गुमनाम कॉल आया था। गुमनाम कॉल मतलब? हेलो, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए, एक मर्डर केस है। कादम्बनी त्रिवेदी ने अपनी बहू राधा त्रिवेदी को जहर देकर मारने की कोशिश की है। आप कैसे कह सकती हैं कि जहर कादम्बनी त्रिवेदी ने दिया है? क्योंकि कुछ ही दिनों पहले कादम्बनी त्रिवेदी ने राधा से ये कहा था कि अच्छा होता अगर वो मर जाए। पर आप हैं कौन? राधा की शुभ चिंतक। हेलो, वो मेरी माँ ने बस गुस्से में कहा था, उनका ये सब कुछ करने का इरादा थोड़ी ना है मैम। ये सब करने के पीछे उनका क्या इरादा था ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। पर मुझे इतना जरूर याद है कि राधा को इस घर में कोई भी रखना नहीं चाहता था। आप उसे अपनी वाइफ मानने के लिए रेडी नहीं थे और आपका परिवार उसे बहू। तो ये सब आप लोगों ने ना उसे छुटकारा पाने के लिए किया था। नहीं मैम, मेरी माँ तो किसी को मारने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती है। और राधा तो उसकी बहू है, बहुत प्यार करती है वो राधा से। मैम प्लीज, आप मेरी दादी को मत ले जाइए प्लीज।
साथ लेकर जाइए मेरी बहन को। मैम देखिए, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकती ये सब करने का। प्लीज मेरी बात मानिए, आप गलत कर रही हैं। प्लीज इन्हें अरेस्ट मत कीजिए। प्लीज मैम, प्लीज प्लीज कुछ मत कीजिए मेरी माँ। ले चलिए इन्हें।